news which is just coming in. Let's take a look at this. The Union Health Minister is speaking in the upper house of parliament, going across to Mansukh Mandavia. जो अच्छा हुआ है और अच्छा हुआ था तो मिठाई बटी थी और उसमें सब लोग जुड़े थे सराहना करने में। जब देश में कुछ अच्छा होता है तब सब लोग उसकी सराहना करें, ये आवश्यक होता है और करते भी है। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी पॉलिटिक्स को लेके ऐसा प्रसंग भी हमारे विपक्ष के लोग चुप जाते हैं। और जब 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर होना, कई कंट्री से तो डबल, कई कंट्री का पॉपुलेशन जितना एक दिन में डोज एडमिनिस्टर हो गया, देश की जनता ने किया। और ये भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर देश की जनता स्वयं आगे आई। यहाँ से कोई ऐसा फरमान नहीं निकला था। सभी को प्रधानमंत्री जी को हम क्या तोहफा दे सकते हैं? क्या देश के नागरिकों की हेल्थ सुरक्षा दे के हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाए, सेवा कार्य करके मनाए? ऐसा केवल मैंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट के आधार पर 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर हो जाना, उसकी सराहना की होती। बाकी तो ठीक है, पॉलिटिक्स चलता रहता है, आपको जो कहना है वो कहते रहते हैं। लेकिन जब राष्ट्र गौरव का विषय आता है, ऐसी स्थिति में हम सब लोग साथ में मिलकर उसकी सराहना करें, तो मुझे लगता है कि देश का गौरव भी बढ़ता है और आपको भी उसमें फायदा ही होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बात पर आ रहा हूँ। देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य में भी हमने केवल इतना ही नहीं किया कि कोविड मैनेजमेंट में आज तक किया वो पूरा हो गया, जी नहीं, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और उस सीखने के बाद आने वाले दिनों में देश में कोविड क्राइसिस बढ़े और केस बढ़े तो उसके लिए भी प्रिपेयरनेस हमने पहले से करके रखी है। उसकी तैयारी के भाग स्वरूप हमने सारी व्यवस्था देश में कैसे की जाए, और इसलिए हमने कोविड पैकेज 2 डिक्लेयर किया। 23,000 करोड़ रुपीज का पैकेज 2 के माध्यम से ये पैसे सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट वो पैसे के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड बढ़ाएंगे, शायद बच्चों में इफेक्ट हो तो बच्चों के लिए भी सेपरेट का बेड बनाया जाए, उसके लिए ICU केयर यूनिट बनाया जाए बच्चों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, और उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपया का बफर स्टॉक किया जाए, उसमें सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर तैयार हो जाए, जैसे कि भविष्य में केस बढ़े तो भी हमें चिंता ना रहे, तो भी हम उसका मैनेजमेंट कर सके, ये व्यवस्था भी हमने करके रखी है। और उसके अलावा अभी जो मैं वर्तमान समय की बात करूं, तो वर्तमान समय में ओमिक्रॉन केस अभी दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के सामने लड़ने के लिए भी हमने पहले से ही तैयारी रखी है। देश में ओमिक्रॉन केस बढ़े, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन एक डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेट वेरिएंट ओमिक्रॉन है, और वो सबसे पहले नवंबर में 24 नवंबर को अफ्रीका में पाया गया, और अफ्रीका में ये दिखने के बाद और कंट्री में बोट्सवाना और अगर नॉर्वे वगैरह कंट्री में भी ये वेरिएंट दिखा, और ये वेरिएंट देखने के बाद WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया, क्योंकि ये वेरिएंट क्या बिहेवियर करेगा, कैसे फैलेगा, उसके पर वैक्सीन की इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, उसका भी अभ्यास करना आवश्यक होता है। और इसलिए WHO ने कहा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और उसके पर डिटेल से स्टडी की जाएगी, और WHO भी उसके पर नजर बनाए रखे हैं, और भारत सरकार की ओर से हम भी उसके पर नजर बनाए रखे हैं। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है, और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो उसकी सुरक्षा के लिए भी
भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई, जिस कंट्री में वेरिएंट है उसको अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया और एक रिस्क कंट्री के रूप में हमने उसको पहचाना। वहाँ से आने वाले कोई भी ट्रैवलर उसको रैपिड टेस्ट हो, रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर ही हो, उसके बाद घर पे जाए, घर पे जाने के बाद भी वहाँ वो 7 दिन तक आइसोलेट रहे, आइसोलेट रहने के बाद 7 दिन के बाद फिर से वो टेस्ट करवा ले, ऐसी एसओपी हमने डिक्लेयर की। मैंने स्वयं सभी स्टेट के साथ बातचीत की, मेरे सेक्रेटरी हेल्थ ने आज तक 3 बार ये वेरिएंट के संदर्भ में सभी स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिले उसके लिए बातचीत की। रेगुलर एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठ के दुनिया में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, ये वेरिएंट की क्या इफेक्ट हो रही है, वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। जैसे भविष्य में हमने फर्स्ट और सेकंड वेव के दरमियान जो सीखा है उसके आधार पर भविष्य में देश में वेरिएंट फैले तो दिक्कत ना आए, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सभी स्टेट के पास मेडिसिन हो। मेडिसिन होने के लिए हमने कोविड पैकेज 2 में, इसी आरपी पैकेज 2 में प्रावधान किया था और सभी स्टेट के साथ फॉलोअप लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर महत्वपूर्ण मेडिसिन है, वे मेडिसिन की बफर स्टॉक की हमने ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। ये बफर स्टॉक भविष्य में जो केस बढ़ेंगे तो बफर स्टॉक का उपयोग किया जाए और आने वाले दिनों में इस क्राइसिस में हमें दिक्कत ना हो, ये भी हमने व्यवस्था करके रखी है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी आज बढ़ चुकी है, आज 48,000 वेंटिलेटर हमने सभी स्टेट को पहुंचा दिया है और ये वेंटिलेटर यहाँ से कमेंट भी आती थी कभी कभी कि वेंटिलेटर चलता नहीं है, वेंटिलेटर में खराबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, जब ऐसी बात करते हैं तब हम किस लोगों के सामने उंगली सीनते हैं ये हमें पता भी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने तो तय किया है और मैं तो रिकॉर्ड लेके घूमता हूँ कि ऐसी स्थिति में कोई कहे कि वेंटिलेटर चलता नहीं है तो मैंने तय किया कि भाई वेंटिलेटर जिस स्टेट को दिया गया हम देते हैं स्टेट देते हैं हॉस्पिटल को और उनकी हॉस्पिटल प्रमाण पत्र देती है। बाद में मैंने कहा कि सब स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे कि ये वेंटिलेटर में मिला है, ये वेंटिलेटर इंस्टॉल हो गया है, ये वेंटिलेटर अच्छी तरह से चल रहा है, ऐसा प्रमाण पत्र दे दो। जैसे किसी को बिना कारण से पॉलिटिक्स करने का भी अवसर हम नहीं देना चाहते हैं। आज 48,000 वेंटिलेटर का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। माननीय अध्यक्ष मोदी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हाउस के बाहर जाके फिर ये बात शुरू होगी क्यों वेंटिलेटर चल नहीं रहा है, वेंटिलेटर में खराबी है, वेंटिलेटर चल रहा है ऐसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, रिकॉर्ड लेके मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये भी एलिगेशन करने का अवसर नहीं होना चाहिए। मेरा तो आग्रह है कि विषय पॉलिटिक्स करने का है ही नहीं, ये आक्षेप प्रत्याक्षेप का है ही नहीं, सरकार की ओर से हम ये विषय पर कभी पॉलिटिक्स करना चाहते भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ये कोविड क्राइसिस के सामने देश को एक होकर लड़ना है, उसमें कई विषय होता है जहाँ पॉलिटिक्स करे हो सकता है, लेकिन एक लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ विषय में भी हम पॉलिटिक्स करना शुरू करें ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। एक ऐसी स्थिति थी जब देश में सेकंड वेव चल रहा था, देश में ऑक्सीजन की डिमांड एकदम बढ़ी थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, 1500 मेट्रिक टन की एवरेज रिक्वायरमेंट होती थी वो बढ़ के 9000 मेट्रिक टन हो जाए, 9000 से ज़्यादा मेट्रिक टन हो जाए। ऐसी स्थिति में शायद प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक चाहिए, अलग टाइप का टैंकर चाहिए और रातों रात तो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन भी प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, एयरफोर्स के प्लेन को काम में लगाया, ट्रेन चलने लगी, ऑक्सीजन टैंकर ले लेके चलने लगी, विदेश से
टैंकर मंगाना शुरू किया। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय आवश्यकता थी मदद करने की, आवश्यकता थी सपोर्ट करने की, भाई चलो अच्छा कर रहे हैं सरकार हम मदद करें, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं किया। और उस वक्त भी राजनीति हुई थी, कई लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके अपना कोटा मंजूर करवा लिया, कोटा मंजूर करवा लिया और रखने की व्यवस्था नहीं थी और टैंकर भर के आते थे, कहाँ खाली करना, मैं उस वक्त व्यवस्था देख रहा था, मुझे पता है। और इतनी दिक्कत हुई थी, खाली करने की जगह नहीं थी, टैंकर घूम रहे थे, कोटा करवा दिया कि हमने इतना, हमें चाहिए इतना चाहिए, तो उसको रखने की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी जगह पे दिक्कतें थी और उस वक्त पॉलिटिक्स होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई उस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर कमेंट होती थी और रास्ते पे कोई दूसरी बात होती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति में पॉलिटिक्स के अलावा हम साथ में मिलके जो लड़े होते, तो आज हमें जो क्रेडिट मिली है दुनिया में, उससे और कोई ज्यादा क्रेडिट हमें मिल सकती थी। और ये कोई विषय व्यक्ति का नहीं है, ये विषय नेशनल प्राउड का है, राष्ट्र का गौरव का है। आज आप कोई देश की दुनिया में कोई भी कंट्री में चले जाए और वहां जब कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बातचीत होगी, तो हिंदुस्तान की ही सराहना करेंगे और आपके मुंह में भी वो हिंदुस्तान की सराहना करेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सरकार भाजपा वालों ने किया, भारत ने करके दिखाया, यही बात होनी है। और इसलिए ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को साथ में मिलके ही हमें उसका सामना करना होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ओमिक्रॉन की बात आ रही है, तब देश में जो मैंने बताया, यहाँ आज 161 केस रिपोर्टेड हुए हैं और ये केस अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, सभी जगह पे आज कोविड केस रिपोर्टेड हुए हैं। और ये कोविड केस रिपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसेस बढ़ाने के लिए 38 लेब आज काम कर रही है, पर मंथ 30,000 जीनोम सीक्वेंसेस की कैपेसिटी आज देश ने हासिल कर ली है। दुनिया जैसे जीनोम सीक्वेंसेस करती है, ऐसा ही हम टाइमली जीनोम सीक्वेंसेस कर रहे हैं। आज हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है। और कल्चर वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है और एक अगले एक सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएंगे, उसके आधार पर हम कह पाएंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि यहाँ हमने वीकली एक बार सरकार की ओर से एक बुलेटिन आता है और सरकारी गवर्नमेंट स्पोक पर्सन आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन पर कृपया ध्यान दीजिए, तो लेटेस्ट अपडेट है। रेगुलर दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वेरिएंट की मूवमेंट क्या है, उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बन रहा है, आगे क्या करना है, उसके लिए बुलेटिन के द्वारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं और कभी गुस्सा में आके बात करते हैं, तो कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और कभी बिना कारण से भय भी क्रिएट हो जाता है। देश में इस बारे नहीं होने देना है। हम सब लोग यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिले, यहाँ से जो एडवाइस मिले, यहाँ से जो प्रोटोकॉल डिक्लेयर हो, ये प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। आज तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई है, उसमें WHO ने बताया है और हमारे भी साइंटिस्ट ने इस बात से सहमत है कि कोविड मेडिसिन का प्रोटोकॉल जो डेल्टा वेरिएंट के लिए, गामा वेरिएंट के लिए और सभी वेरिएंट के लिए है, वही प्रोटोकॉल उसके लिए है। आज देश में जो 161 केस पाया गया है, उसमें से 13% केस एकदम माइल्ड है, 80% केस एसिम्प्टोमेटिक है, 44 केस ठीक होके अपने घर चले गए हैं।
आज के दिन में हमारी कुल ये स्थिति है और एमिक्रॉन वायरस 96 कंट्री तक आज वो स्प्रेड हुए हैं। सभी तरह की नज़र हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगा के रखी है और आने वाले दिनों में ये वेरिएंट और क्या इफेक्ट करेगा उसको भी हम देखते रहेंगे और रेगुलर एडवाइजरी हम डिक्लेयर करते रहेंगे। कृपया मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि केवल उसके आधार पर ही आप अपना अवलोकन करिए, उसके आधार पर ही जनता को बताइए। तो मुझे लगता है कि सचमुच जनता में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हम सीखे हैं उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में शायद केस बढ़े तो उसमें से जो हमने लर्न किया है उसको लेके हम अच्छी तरह से सारे देश के सभी नागरिक साथ में मिलके और सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में कोविड के सामने हमारी लड़ाई लड़ते रहे और उसमें सभी का सहयोग मिले, यही अपेक्षा। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। I appeal all of you to go to your seat. Union Health Minister, he's in fact said that there will be a vaccine for kids soon. That's the big story they're getting at this 161 cases of Omicron. He's also spoken about genomic sequencing, saying 31,000 samples are sequenced every month across 38 labs. Is that what he said? He's spoken about the Government of India's preparations vis-a-vis oxygen and also hospital beds. He's also said that most cases of Omicron are mild. He's just informed the House about these developments. Within a week's time, that's a big announcement from the minister. Within a week's time, they will know whether the existing vaccines in India are effective in neutralizing Omicron, is what the health minister has just told Parliament.